जय श्री श्याम जी। ट्रक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल, चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नए उभरते कलाकार से मिलवाने वाले हैं जो कि जयपुर के ही रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो इनसे इनका परिचय लेते हैं और इनसे इनकी जीवनी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? शुभम शर्मा। शुभम जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर के ही हूँ प्रॉपर। और जयपुर के रहने वाले हो और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ और एक छोटा भाई है। ये बताइए कि अभी जो आपका श्याम जगत में नया एक कदम रखना और लोगों के दिलों पे छा जाना, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो ये बताइए। देखिए, पहले तो मैं क्या है, वैसे तो एक डांसर हूँ, प्रोफेशनली डांसिंग लाइन में हूँ 10-12 साल से। डांस सिखाना, कोरियोग्राफी करना, इस लाइन में मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। बट बाबा का मेरी ज़िंदगी में आना एक चमत्कार है, बिल्कुल एकदम, मतलब मैंने खुद ने भी नहीं सोचा कैसे क्या हुआ, मुझे खुद को भी कभी कभी विश्वास नहीं होता। ये मेरे साथ उस टाइम पे हुआ कि फागुन के टाइम पे जो यात्रा निकली थी जयपुर से खाटू के लिए, उसमें मेरे पापा मम्मी जाते हैं पैदल, तो बीच में मम्मी का जाना हुआ नहीं, मम्मी नहीं जा पाई किसी वजह से। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन करा कि तू मेरे को लेने आ जा, मैं नहीं चल पाऊँगी 1-1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद। तो मैं मम्मी को लेने गया, मम्मी को घर छोड़ा, उसके बाद पता नहीं बाबा का क्या चमत्कार, क्या एकदम रंग चढ़ा मेरे ऊपर, मैंने वो यात्रा अटेंड कर ली। मतलब मम्मी तो यात्रा में से वापस आ गई और आप घर से यात्रा करने चले गए, जो आपने सोचा नहीं। हाँ, ये मैंने सोचा नहीं। कब की बात है ये? काफ़ी ये टाइम हो गया इसको, 2 साल हो गए लगभग, 2-3 साल। हाँ, तो उस टाइम की बात है। तो जबकि मम्मी गई, बहुत लगन से थी, लेकिन फिर भी मम्मी का जाना नहीं हो पाया, मेरा जाना हुआ। तो वो टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया है कि मैंने खुद ने विश्वास नहीं किया, बाबा मेरी ज़िंदगी में एकदम ऐसा हो गया कि मेरे को बस वही दिखता है, बस कि मैं बाबा को ही रिझाऊँ। उस टाइम से मैं कीर्तनों में जाने लगा, वहाँ से यात्रा कंप्लीट करने के बाद कीर्तनों में बैठने लगा, भजन सुनने लगा। मैं मुश्किल से कुछ ही कीर्तन होंगे जो मैं छोड़ता हूँ, सब कीर्तनों में बैठने लगा। बस मैं बाबा को सुनता था वहाँ जाके लोगों को, लेकिन देखते ही देखते मेरा मन हुआ कि मैं भी बाबा को रिझाऊँ, मैं गाऊँ, कैसे भी हिम्मत करूँ थोड़ा थोड़ा। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कोशिश की और मैं बाबा का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है कि मैं उसी में लगा हुआ हूँ, मेरा मन करता है कि बस बाबा को रिझाऊँ। बहुत कम समय में आपने इतनी ख्याति प्राप्त करी और इतना अच्छा गाने लगे हो आप, कि ये भी एक चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये बिल्कुल वही आशीर्वाद है बाबा का, गुरुजनों का, मेरे जो भी हैं सबका आशीर्वाद है, मैं वहीं से चल रहा हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि आपके पिताजी चाट का एक ठेला लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा पताशी का चाट का ठेला लगाते हैं। तो मैंने देखा कि सुना भी है कि आप भी उस चाट के ठेले को, मतलब वहाँ पापा की मदद किया करते हो। आपका लेवल जबकि इतना ऊंचा हो चुका है और आप पहले भी डांसिंग क्लास लिया करते थे, तो आपके पास बड़े बड़े अच्छे लेवल के डांसर, मतलब उनको डांसर आपने तैयार किए हैं, उसके बावजूद आपने मतलब उस छोटे से चाट के ठेले पर आप जाकर उनकी मतलब मदद करते हो, तो ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा लगता है कि यार इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद भी आप मतलब वो काम कर रहे हो। देखिए, काम तो मैं कुछ भी करूं ज़िंदगी में, कितना ही बड़ा हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, लेकिन काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और पापा की हेल्प कराना तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है एक तरीके से, क्योंकि पापा की सेवा करूँगा, पापा की हेल्प कराऊँगा किसी भी काम में, जो भी हमारा काम है, तब जाके मैं जो भी मुकाम कभी हासिल करता हूँ तो वो उन्हीं का आशीर्वाद होगा, मेरे माँ बाप का, जो भी मेरे ऊपर रहेगा उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर जगह जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। तो ये सच है कि मैं पापा की थोड़ी हेल्प कराता हूँ हर जगह, मेरा जैसे भी काम होता है हमारा, तो मेरा पूरा उसमें पापा की हेल्प कराने का रहता है काम। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं मेरी चीज़ों को टाइम देता हूँ, उसके अलावा मैं पापा को भी मेरा पूरा टाइम देता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ हर तरह से काम में। इसमें आपके पिताजी का आशीर्वाद, जो आप इतनी जल्दी जो तरक्की आप पा रहे हो, इतना जल्दी आपका नाम हो रहा है, उसमें आपके पिताजी का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बिल्कुल उन्हीं के सहयोग से, जो भी है उनके आशीर्वाद से ही हूँ मैं आज, और उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये जो चमत्कार मेरे साथ बाबा ने किया है ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से है, जो भी है। बिल्कुल, जो आपके जन्मदाता है, जो आपके पिताश्री हैं, जो आपके माता पिता है, आप उनको पूरा श्रेय दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पापा मम्मी के लिए तो क्या बोलूँ, बस पापा के लिए 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। मैं मारागरा पधारो श्याम संस्था से का मेंबर हूँ। हमारे लतन लाल जी कट्टा जी जो हैं हमारे संस्था के मेन संरक्षक हैं, जिनके आशीर्वाद से और कृपा से श्याम पार्क में हमारे बच्चे को एक गाने का मौका मिला, भजन वगैरह गाता है ये,
मेरे साथ में थोड़ा मेरी हेल्प करता है, लेकिन मैं इसको मना करता हूँ कि थोड़ा सा देख मेरे लिए ही बहुत है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, तू रहने दे। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूँगा, उसी में ही मेरा कल्याण है। और मेरी सेवा करता रहता है, अपनी माँ की भी सेवा करता है, घर में कोई भी काम होता है मना नहीं करता, मेरे दुकानदारी में भी हाथ बटाता है, और अपने भजन वजन जो है बाबा के उसमें काफ़ी मतलब अच्छे से दिल से अपने करता है। और इसको है ना बहुत दिलचस्पी है कि मैं बाबा का गुणगान करूँ, भजन करूँ, बाबा को रिझाता रहूँ, ये इसकी तमन्ना है। और यही है कि बाबा इसका हाथ पकड़े और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद रहे इसके ऊपर। हमारे दर्शकों को फिर कोई ऐसी रचना सुनाओ, दो लाइनें सुनाओ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि आपका वास्तव में कैसा गाते हो। बिल्कुल, बोली श्याम प्यारे की जय। बाबा थारो टाबर बड़ो ही दुखी यारो सतावे जहा, थी ही मारा सब कुछ पिता और माता, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ, बस रहूंगा यहाँ, साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार, बाबा लाज रखना, साचो थारो दरबार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो दर्शकों आपने सुना, बहुत ही प्यारा इन्होंने गाया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे आपका क्या विचार है, क्या डांसिंग लाइन में रहना चाहोगे या भजन लाइन में रहना चाहोगे? नहीं, मेरा डांस को लेके मेरे मन में अब कोई विचार नहीं आता है, मेरे को खाली मेरे बाबा ही दिखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बाबा को ही रिझाना है, और मेरे को बस बाबा की सेवा करनी है, जैसे भी है, मेरे से जितना बनेगा मेरे को बाबा की ही सेवा करनी है, मेरा यही है। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तो शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी के बारे में अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को सेटल होना है, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें करनी है लाइफ में, वो सब करने के बाद शादी वादी का अभी तो ऐसा कोई विचार है नहीं। अच्छा, और कोई आपकी मन की कोई ऐसी ख्वाहिश? मन की ख्वाहिश तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, बहुत आगे तक लेके जाऊँ, और मतलब मेरे गुरुजी हैं उनका नाम रोशन करूं, और बस जो भी है बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। गुरुजी कौन है, गुरुजी का क्या नाम है? गोपाल सेन जी। अच्छा, गोपाल सेन जी के आप शागिर्द हैं, तो गोपाल जी का जहां असर आ जाता है तो गायकी तो वैसे ही बहुत सुंदर हो जाती है। गोपाल सेन जी के अभिषेक नामा है, कुमार शिवाय, और भी कई नाम ऐसे हैं जो आज काफ़ी ऊँचाइयों पर जा रहे हैं। बाकी गोपाल सेन जी का जहाँ आशीर्वाद मिल गया वहाँ काफ़ी, बस उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनने पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा है, वो जैसे भी है मेरे को सब चीज़ में हेल्प कर रहे हैं पूरी। गोपाल सेन हमारे जयपुर की शान है, और जिस पर इन्होंने अपना आशीर्वाद बरसा दिया वो समझ लो कि दिन तुगनी और रात चौगनी तरक्की करता ही करता है। क्या मुझको देना है ये तुमने सोच लिया होगा, यहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा, मांगने हुआ या कुछ भी मैं लाया नहीं हूँ, मैं लाया नहीं हूँ, तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ। जय श्री। आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आप हमारे स्टूडियो पे आए और हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जी ट्रैक के दर्शकों के लिए दो लाइन और सुनाना चाहूँगा। परिवार मेरा, परिवार मेरा, तेरे हवाले खाटू वाले, ओ खाटू वाले, खाटू वाले, हो खाटू वाले, लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं,
तुम संभालोगे विश्वास है, ये सहारा बहुत है प्रभु, तेरी यादें मेरे पास है, गैर से अब ना कोई जिक्र, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर, ओ श्याम सुंदर महर की नजर, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर। जय श्री श्याम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आपने गाया। और दर्शकों से बस इतनी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हो सके तो हमारे इस चैनल को, जी ट्रैक भक्ति चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार और आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। बोलो खाटू नरेश की जय।